आज महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या वतीने नागपूरच्या मेट्रो भवन येथे नागपूर महामेट्रोचा 7वा स्थापना दिवस साजरा करण्यात आला. या शुभप्रसंगी लोकांनी आपले 7 वर्षांचे अनुभव सांगितले. 7 सालों में महामेट्रो ने अनेक कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में महामेट्रो को नई पहचान दिलाई और ये नई पहचान दिलाने में मेट्रो परिवार की कड़ी मेहनत है. महोत्सव के रूप में मना रहा है और महामेट्रो ने इसी के उपलक्ष्य में 0 माइल फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन परिसर के 40,000 चौरस फुट क्षेत्र में फ्रीडम पार्क तैयार किया है. यह खूबसूरत पार्क शहरी विकास का बेहतरीन उदाहरण है. परिसर में गुरुद्वारे के समीप रेलवे ट्रैक के ऊपर 1650 टन वजनी ब्रिज के स्टील के ढांचे के निर्माण का कार्य सफलता पूर्वक करते हुए एक नया इतिहास रचा है. 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित सेवाग्राम महात्मा गांधी बापू कुटी की रचना इस स्टेशन पर साकार की गई है. बापू कुटी के बाजू में महामेट्रो ने सीनियर सिटीजन्स के लिए हैंगआउट सेंटर तैयार किया है और यहाँ महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आदि की अनेक किताबें पढ़ने के लिए रखी हैं. नागपूरच्या विकासाचे प्रतिबिंब जर कशातून व्यक्त होत असेल तर हे होते नागपूरच्या महामेट्रोमधून. शुक्रवार रोजी महामेट्रोचा 7वा स्थापना दिवस साजरा करण्यात आला. नागपूरकरांना वर्ल्ड क्लास क्वालिटीचा प्रवास देण्यासाठी महामेट्रो सज्ज असून महामेट्रो आता अनेक शहरांना जोडण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे यावेळी महामेट्रोचे महासंचालक ब्रिजेश दीक्षित यांनी VKB सोबत संवाद साधताना सांगितले. कोविडच्या 2 वर्षात बऱ्याच अडचणींना मात देत मेट्रोचा हा प्रवास त्यांचे यश दर्शवतो. दोस्तों, अगर नागपुर की बात की जाए और नागपुर के विकास की बात की जाए तो उसका चेहरा अगर कोई है तो वो है नागपुर की मेट्रो. और नागपुर की मेट्रो आज अपना 7वां वर्धापन दिन मना रही है. सर, हमारे साथ ब्रिजेश जीशी सर है जो कि संचालक है. सर, सबसे पहला सवाल, कैसा लग रहा है 7 साल का सफ़र? ये सफ़र का जो रिज़ल्ट है वो सबके सामने है. हमारा जो 40 किलोमीटर का नेटवर्क है उसमें से 26 किलोमीटर ऑलरेडी चल रहा है. बाकी जो 14 किलोमीटर बचा वो भी 1 महीने के अंदर अभी पूरा होने वाला है. उसके बाद पूरा 40 किलोमीटर का जो नेटवर्क है नागपुर मेट्रो का वो शुरू हो जाएगा. तो नागपुर के नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट ये चारों कॉर्नर जुड़ने वाले हैं. और ऑलरेडी हम लोगों की जो राइडरशिप पर डे की है वो 60,000 तक पहुंच चुकी है. और जैसे ही ये बचे हुए सेक्शन खुलेंगे आई एम श्योर हम लोगों की राइडरशिप 1 लाख तक पहुँचेगी. तो 1 लाख लोग रोज़ अगर इस सिस्टम को यूज़ करेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है. तो आज के जो वर्धापन दिवस के अवसर पर ये एक सबसे बड़ा संतोष है कि 7वां ही वर्धापन दिवस है. ये 7 साल की ही आयु है और इतने कम समय में हम लोगों ने जो इस प्रोजेक्ट को पूरा किया, उसके ऑब्जेक्ट्स को अचीव किया, संतोष की बात है. और समस्त नागपुर के नागरिकों को महामेट्रो की ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिना उनके सहयोग के ये नहीं हो सकता था. और नागपुर के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट, मेरे कलीग्स, ऑर्गेनाइजेशन हैं और उन सब का सहयोग मिला. भारत सरकार और राज्य सरकार और हमारे NMC, NIT जो लोकल बॉडीज़ हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नागपुर पुलिस, PWD और रेलवे, इस तरह के समस्त ऑर्गेनाइजेशन, उनका पूरा सहयोग मिला नागरिकों के साथ साथ, जिसकी वजह से ये पूरा हुआ. तो आज का दिन उन सब लोगों को धन्यवाद देने का है. मेरी अपनी टीम जिन्होंने 11,000 लोग जो रात में और दिन में काम करते थे और त्यौहार और छुट्टी के दिन भी काम करते थे, और हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल एजेंसीज हैं, पर्टिकुलरली जो अभी इतना बड़ा काम गड्डी गोदाम में हो रहा है वो वहाँ पर एफकॉन काम कर रही है, इसके पहले जो वर्धा रोड में NCC ने काम किया, उसके बाद जो REACH 3 में IT ने काम किया, तो ये सारे लोग जो हैं, इनके सारे वर्कर्स जो हैं काम कर रहे थे, तो उन सबको लुक आफ्टर करना, उनसे काम करवाना पूरा और समय से कराना और विद हाई क्वालिटी कराना, ये चैलेंज जिन सब लोगों ने मीट किया है उन सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभेच्छा. सर, दो तीन चीज़ें मेट्रो के तैयार इस सब पूरे सफ़र में खासतौर पर हुई है, जो गड्डी गोदाम का पुल कहा जाए या फिर डबल डेकर पुल कहा जाए, ये जो भगीरथ प्रयास थे, किस तरह की मुश्किलें आई, इसके लिए क्या कहेंगे? मुश्किलें कोई भी आप इस तरह का काम करने जाएंगे तो मुश्किलें आएंगी. हम लोगों का काम मुश्किलों को ओवरकम करना है. तो मुश्किलें शुरू से ही आती हैं. लैंड एक्विजिशन से स्टार्ट होता है मामला, फंडिंग दूसरी चीज़ होती है, टेक्निकल डिज़ाइन तीसरा होता है, समय से पूरा करना वो चौथा चैलेंज है,
ये सारे लीगल चैलेंजेस भी आते हैं बहुत सारे, तो ऑल दी चैलेंजेस वेयर देयर एज दे आर नॉर्मली अवेलेबल और दे आर एनीवेयर एल्स। इन सारे चैलेंजेस को समय से दूरदृष्टि के साथ पहचान के इसको और इसका निराकरण करना वो हमारी टीम ने किया है, और मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि दे हैव बीन एबल टू डू इट सक्सेसफुली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बृजेश दीक्षित सर, जो कि बता रहे थे कि 7 साल का सफ़र किस तरह से हुआ और 7 साल में किस तरह से मेट्रो ने अपना सफ़र तय कर लोगों के लिए सेवाएं प्रदान की। रोशन बोकडे यांच्यासोबत निलेश फरकाडे यांची VKB न्यूज नागपूरसाठी रिपोर्ट।